तो दोस्तों सावन का महीना, हम लोगों ने सोचा क्यों ना हरिद्वार घूम कर आया जाए, लेकिन इधर इसकी बातें ही खत्म नहीं हो रही हैं। फिर क्या था, हम लोग अपने घर से निकल गए और थोड़ी सी देर चले थे कि बरसात शुरू हो गई और लगभग हम 200 किलोमीटर से ऊपर चल आए हैं, लेकिन अभी भी बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। हम पूरी तरह से भीग चुके हैं, आप रोड को देख सकते हैं, राहुल भी पूरी तरीके से भीग गया है। तो अब भीगने के बाद हम लोग को ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर हम बदल सके अपने वस्त्र, लेकिन वस्त्र बदलने के लिए पहले वस्त्र खरीदने जरूरी है, क्योंकि हम लोग बस एक ही जोड़ी कपड़े लेकर गए थे। हमारा प्लान आज ही लौट कर वापस आने का था, लेकिन जिस हिसाब से बारिश हो रही है, लग नहीं रहा हम वापस लौट कर जा पाएंगे आज ही। तो हम लोगों ने सोचा था कि आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से मौसम हो रहा है, लग नहीं रहा कि कैमरा काम करेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा शूट कर लें ताकि आपको दिखाया जा सके व्लॉग में कुछ अच्छा। तो एक दिन की मूसलाधार घमासान और बेहिसाब बारिश के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो आज मौसम थोड़ा ठीक है, वैसे बारिश आज भी हो रही है, लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब नहीं है। तो आज दिखाएंगे हम लोग आपको पूरा व्यू और चलने वाले कांवड़ियों को भी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कैमरा क्वालिटी इतनी ज़्यादा खास नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कांवड़ती कितने ज़्यादा आ रहे हैं, जो लोग यहाँ से कांवर भरकर लेकर जाएंगे। इस समय ज़्यादातर डाक कांवर ले जाई जाती हैं, जिसमें कि जल को भाग कर ले जाया जाता है। ये जितने भी ट्रैक्टर आप लोग देख रहे हैं, ये लोग आज आए हैं और कल को यहाँ से निकल जाएंगे सुबह ही, क्योंकि सोमवार के दिन शिव जी का जल अभिषेक होगा। तो ये भाई साहब भी इधर वीडियो शूट करते हुए जा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और सामने है हमारे देश की आन बान और शान, इंडियन फ्लैग, हमारे देश का तिरंगा। क्योंकि यार हमारी दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, लेकिन ये तीन रंग जो हमारे देश के झंडे के हैं, वो अलग ही दिखाई देते हैं। देखो यार, अगर आप लोग हरिद्वार में घूमने चाहते हैं तो आपको आने के लिए दो ही समय सबसे अच्छे रहेंगे, एक तो है सर्दियों का और दूसरा बरसात का, क्योंकि गर्मियों में आने का कोई मतलब नहीं है। इस समय वैसे भी सावन में तो सबसे ज्यादा कांवड़ती आते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो लोग अपना जल लेकर जाते हैं यहाँ से। तो अब आप लोग देख लीजिए, हमारे सामने जा रही है डाक कांवर, वो भी पूरे जोर शोर से। तो दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में हरिद्वार से दो बार कांवर लाई जाती है, पहली तो महाशिवरात्रि जो कि फरवरी में सर्दियों में आती है, और दूसरी ये सावन की शिवरात्रि। वैसे जो सावन की शिवरात्रि होती है उसमें हरियाणा दिल्ली वगैरह के लोग ज्यादातर लाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसमें यूपी के लोगों ने सबसे ज्यादा कांवर भरी है। इस साल योगी सरकार के चलते यूपी में जितनी कांवर आई है इतनी कभी भी नहीं आई, क्योंकि यूपी के लोग ज्यादातर महाशिवरात्रि जो सर्दियों वाली आती है उसमें ज्यादा लाते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि आपके सबसे ज्यादा कांवर यूपी में आई हैं। और अभी भी लोग रुक नहीं रहे हैं, आप लोग देखिए किस तरीके से लोग आते जाते भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं। और सोचने वाली बात तो ये होती है कि कांवड़ यात्रा जो होती है पैदल यात्रा होती है, इसमें कंधे पर कांवड़ रखी होती है जिसमें लगभग 7 से 8 किलो तक वजन होता है, बल्कि कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा वजन की कांवड़ भी लाते हैं और पैदल चलकर जाते हैं। अब लगा लीजिए कि 200 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद हम लोग थक चुके हैं, लेकिन वो लोग पूरे 200 से 250 किलोमीटर चलकर जाते हैं, और बल्कि कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा दूरी तय करते हैं। और इस समय की जो कांवर है उसमें तो लोग लगभग 150 किलो यानी कि 1 क्विंटल 50 किलो तक जल ला रहे हैं, यानी दोनों कंधों पर 75-75 किलो जल, बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ लोग ला रहे हैं। आप सोचिए कितनी भक्ति और श्रद्धा है हमारे इष्ट देव शिव जी के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरीके से ढाक कांवर जा रही है, लड़के इसमें भाग रहे हैं हाथ में जल लेकर, और इनके पैर जब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये लोग जाकर जल चढ़ा नहीं देंगे। तो दोस्तों, अभी हम थोड़ी सी देर चले थे कि बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट हो गई। अब क्योंकि हम कल भीग गए थे बहुत ज़्यादा, तो आज दोबारा से भीगना सही नहीं होगा, कहीं बुखार ना आ जाए, इसलिए अब हम देखते हैं कोई जगह जहाँ पर हम खड़े हो सकें थोड़ी देर के लिए। A few moments later. दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा है ना, इसने कल से लेकर 250 किलोमीटर से ऊपर मोटरसाइकिल चलवा दी मुझे अकेले से, और अभी तक आगे नहीं बैठा है सीट पर, इसने स्टीयरिंग नहीं पकड़ा बाइक का अभी तक। आगे बैठने के लिए है तो दे दो, बाइक का हैंडल पकड़ने को भी तो है, तो चलानी तो इस पर ना आती है। ये हेलमेट कौन छोड़ गया, इसे लेकर चलेंगे घर को। चलो फिर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, बारिश रुक गई, बारिश में इसे भिगोया कल मुझे वो अलग। उसके बाद मुझे नए कपड़े लेने पड़े, क्योंकि एक जोड़ी कपड़े लेके गया था कि आज ही जाना आज ही लौट के आना, इसकी वजह से इसने 1000 रुपये का झटका 2 मिनट में लगवाया। बारिश रुक गई, अब झटके देखता रहा चल घर को, ये फिर दोबारा भीगेगा। तो भिगो तो दिया था ना, अब भी भीग रहे हैं, और सूखे पड़े हैं, भूख अलग लग रही है, कुछ खिला भी नहीं रहा है, देख लो लेके चल जाए बस। जंगल बहुत खूबसूरत है यहाँ, यहाँ पर तार खिंचे हुए हैं, अंदर जाना मना है, बिल्कुल जंगली जानवरों का खतरा है। कहाँ कहाँ वैसे कोई जंगली जानवर आता क्यों ना दिखाई तो देवे, बस यूँ रह खतरा कोई दिखाई तो देता ही। खड़ी कर दी थी हमने आने के लिए, अब चल रहे हैं घर के लिए। बारिश रुक गई है, हरिद्वार का सफ़र बहुत बढ़िया रहा।
चल अभी इतनी गंदा थोड़ी हो गया है वो। तो छोटी गंगा बोल के हमको नाले में कुदा दिया भाई। कितनी बढ़िया लग रही रोड ये, वो तो मौसम थोड़ा ऐसी हो रहा है तो और भी सब आता कैमरा। तो अब हम लोग वहाँ से चल दिए हैं क्योंकि बारिश अब रुक चुकी है और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना कि बाइक चलाने में भी मज़ा आ रहा है। ये सोच लीजिए कि जब हम हरिद्वार जा रहे थे तो हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जा रहे थे, लेकिन अब जब आ रहे हैं तो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कम स्पीड पर आ रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा मौसम और हरिद्वार का माहौल, तो धीरे जाना तो बनता ही है। तो दोस्तों ये थी हरिद्वार के कांवड़ यात्रियों की यात्रा जो हम लोगों ने आपको सही करके दिखा दी है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे फिर से ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।